बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। नारान में ये डैम बन रहा है, सुकी किनारी डैम। ये चाइना के ताउन से बन रहा है। 1.9 बिलियन डॉलर्स इसकी कॉस्ट है। 2018 में इसका काम शुरू हुआ था और 2023 में इसका काम मुकम्मल होगा। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। 210 मेगावाट के 4 टरबाइन इसमें लगाए जाएंगे और टोटल ये 840 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। पहाड़ों में टनल्स बनाई जाएंगी जिनके ज़रिए बिजली पैदा की जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वादी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। दरिया कन्हार कह रहा है। ये जी सुकी किनारी डैम बन रहा है चाइना के टाउन से। ये सामने इसकी साइट है और ये टनल इस पहाड़ में बनाई जा रही है। 760 मेगावाट का ये मंसूबा है जिससे बिजली पैदा की जाएगी। सुकी किनारी डैम इसका नाम है और ये दरिया कन्हार पे बनाया जा रहा है। ये इसकी साइट है। किनारी डैम का काम इस वक्त तेज़ी से जारी है। ये इस पहाड़ के अंदर टनल बनाई जाएगी, अंदर इसके टरबाइन लगाई जाएंगी और दरिया कन्हार का पानी तेज़ी से बहेगा इनके अंदर और टरबाइन चलेंगे और बिजली पैदा होगी। ये सुकी किनारी डैम है, चाइना के ताउन से बन रहा है। इवन 4-4.5 साल का ये मंसूबा है। काम इसका बड़ी तेज़ी से जारी है। बड़ा खूबसूरत मनाजिर है। ये कागान से तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे है टनल। खूबसूरत मंजर इसका। पाकिस्तान का एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है जिससे जो एनर्जी की शॉर्टेज है उसको कम किया जाएगा। मशीनरी भी आप देख सकते हैं लगी हुई है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मशीनरी है और पहाड़ के अंदर टनल बनाई जा रही है। सुकी किनारी डैम बहुत शानदार मंसूबा है, चाइना के ताउन से बन रहा है। 5 साल तकरीबन इसको लगेंगे, 4 से 5 साल बनने में। ये उसकी टनल है। ये चोटियाँ इस वक्त मुकम्मल तौर पे बर्फ़ से ढकी हुई हैं। शानदार मनाजिर हैं। सुभान अल्लाह जी, अल्लाह करे जल्द अज़ जल्द ये डैम का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो और बिजली की शॉर्टेज जो है मुल्क में उस पर काबू पाया जाए।